राम राम किसान भाइयों, मैं तुम्हारा आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिर्च की जो क्रॉप है उसमें मिर्च के साज के आकार को किस टॉनिक का स्प्रे करने से बढ़ाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और वह टॉनिक मार्केट में किस कंपनी का मिलेगा, किस नाम से मिलेगा और इसे मिर्च की क्रॉप में कितनी मात्रा में स्प्रे करें और जो हमारी मिर्च टेढ़ी पड़ रही है और जिसका मिर्च का आकार नहीं बढ़ रहा है तो हम कितनी मात्रा में उसका टॉनिक का स्प्रे करें और किस कीमत का यह टॉनिक मार्केट में मिलेगा। यह जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है जिससे आने वाली मिर्च की क्रॉप से संबंधित वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन किसान मित्रों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें मिर्च के आकार बढ़ाने वाले और मिर्च का साइज बढ़ाने वाले उस टॉनिक के बारे में जिसका अगर आप स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे मिर्च में बहुत ही तेज़ी से उसका आकार बढ़ाने का काम करता है, जो मिर्च छोटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो उसका नाम है जिब्रेलिक एसिड 0.01%। किसान मित्रों, इसे आप मिर्च की जो आपकी छोटी छोटी मिर्च है उस पर स्प्रे के रूप में किसान मित्रों प्रयोग कर देते हैं तो ये हमारे मिर्च में किसान मित्रों मिर्च को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। अगर इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो इसे मिर्च में किसान मित्रों आप 30 से 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से या आप 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह मार्केट में आपको धानुका कंपनी का मैक्सेल नाम से मिल जाएगा और यह सफेक्स कंपनी का आपको ग्रेट नाम से मिल जाएगा और यह सोमेटोमो कंपनी का किसान मित्रों आपको ओसी नाम से मार्केट में मिल जाएगा। किसान मित्रों, अगर इसकी बात करें कीमत की तो आपका धानुका का जो मैक्सेल है किसान मित्रों आपको 250 ml की जो कीमत है वो लगभग 250 से लेकर 350 रुपए की लगभग मार्केट में मिल जाएगा। किसान मित्रों, इस बार आप मेरे बताए अनुसार मिर्च का आकार बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड 0.001% का 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या 30 से 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मिर्च में जो मिर्च का आकार बढ़ाने में और मिर्च का किसान मित्रों तेज़ी से उसकी ग्रोथ करने में कामयाब हो सकते हैं और नई किल्ली लाने में भी कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, इस बार आप मेरे बताए अनुसार आप जिब्रेलिक एसिड 0.001% का स्प्रे अवश्य करें। तो किसान भाइयों, ये मेरा सुझाव, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।